फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं विजयता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना वायरस से देश और दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। देश के लगभग 90 देशों में जहां कोरोना वायरस फैल चुका है, उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। जहां पर पूरा विश्व कोरोना वायरस से पहले से ही डरा हुआ है, इसी बीच ये खबर और भी डराने वाली है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि महामारी अगर सबसे बुरी स्थिति में पहुंच जाती है तो इससे 6.8 करोड़ तक लोगों की मौत हो सकती है। जल्दी से आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। 31 मार्च तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं अमृतसर में 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना वायरस को लेकर पॉजिटिव आई है। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 31 पेशेंट सामने आए हैं। इन 31 में से 16 व्यक्ति इटली से भारत घूमने आए थे। खबरों की माने तो इसके अलावा 29,000 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, यानी लगभग 29,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर BSNL और जियोफोन कनेक्शन पर प्री कॉल जागरूकता संदेश दिए जा रहे हैं, जिससे लोग कोरोना को लेकर जागरूक रहे और हर तरह से सतर्कता बरते। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन से बाहर कई गुना तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 14,768 लोगों की चपेट में आने की पुष्टि हुई है। आइए देखते हैं कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण अध्यक्ष सुनील भरला। पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश की जनता में एक वाहपोह की स्थिति है। मैं इस प्रकार से इसके बारे में सोचता हूं कि ये वायरस जो है, ये खान पान से जो मांस है, मीट है, अनेक प्रकार के जो पशुओं के मांस खाने का जो एक है, ये वायरस उसी की देन है और उसी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति के आधार पर भी स्वच्छता और इससे दूर रहना, इस मांस मदिरे से दूर रहना, उसके साथ अपने हवन यज्ञ की जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उस पर विश्वास रखना है। तो यज्ञ कराए, उसको भी वायरस दूर करने का काम करेगा। साथ में मैं कहना चाहूंगा, सरकार के पास पूरे उपाय हैं। सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित है और किसी प्रकार के भ्रम और अफवाह से बचना चाहिए। ये वायरस बिल्कुल भारत में नहीं कोई कुछ कर पाएगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधानी से, और उसके साथ में खान पान को अपने को ठीक रखने की आवश्यकता है, उस पर रहना चाहिए। साथ में वर्तमान में जो होली, मैं उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को, प्रदेशवासियों को। और अब आपको बताते हैं आखिर कोरोना वायरस को लेकर क्यों भिड़े अमेरिका और चीन। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वहीं भारत, अमेरिका समेत तमाम देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दरअसल कोरोना वायरस को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी वायरस और वुहान वायरस कहा, साथ ही इसके लिए वुहान को कसूरवार ठहराया, जिसे लेकर चीन अमेरिका से खासा नाराज चल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज को यह इंटरव्यू दिया, जिससे चीन उनसे काफी नाराज है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।